ये जो ट्रैक है ये पाकिस्तान की तरफ जाता है, यहाँ से जो पाकिस्तान मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यही ट्रैक है, जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो 2 ट्रेनें इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की तरफ गई थी और पाकिस्तान की तरफ से ही 2 ट्रेनें इस साइड में आई थी। जब पहले ट्रेन जो तो पाकिस्तान के लिए जाती थी ना, यहाँ से लाहौर के लिए, वो इस साइड में खड़ी होती थी। यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह होके लोग आगे पाकिस्तान की तरफ जाते थे, लाहौर की तरफ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं खड़ा हुआ हूँ पंजाब के अमृतसर रेलवे स्टेशन पे और आज मैं जाने वाला हूँ पाकिस्तान। जी हाँ, सही सुना आपने, आज का जो हमारा सफ़र है वो अमृतसर से रहेगा पाकिस्तान बॉर्डर तक। पाकिस्तान का लाहौर शहर यहाँ से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पे है और हमारा जो सफ़र है आज का वो लगभग रहेगा यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, यानी लाहौर वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर रह जाएगा। हम आज जाने वाले हैं अमृतसर से अटारी तक। अटारी जो है वो इंडिया का बिल्कुल लास्ट गांव है, लास्ट रेलवे स्टेशन है। ये जो रेलवे स्टेशन है 1931 में बनाया गया था, वहाँ पे ऊपर मेंशन है, यानी ये जो स्टेशन है ये आज़ादी से पहले का बना हुआ है। ये जो ट्रैक है ये आज़ादी के पहले का बना हुआ है। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, दो बंटवारे हुए थे, तो इसी ट्रैक पे मतलब उधर से भी ट्रेन आई थी और इधर से भी ट्रेन आई थी। डेली यहाँ से ट्रेन जाती है अटारी के लिए 7:30 बजे और अभी 7 बज चुके हैं, आधा घंटा अभी हमारा शेष है। चलते हैं, टिकट लेंगे, ट्रेन में बैठेंगे और आज की इस जर्नी को आपके साथ साझा करेंगे। ट्रेन हमारी आ चुकी है, ये है छोटी सी ट्रेन, शायद 3 डब्बे होंगे, तो ये यहाँ से चलने वाली है, अटारी तक जाएगी और छोटी सी ट्रेन है, मात्र 3 बोगी की, 3 बोगी है इस ट्रेन के अंदर। चलते हैं, यहाँ से जो हमारा सफ़र है अटारी बॉर्डर तक होने वाला। 7:29 हो गई, 1 मिनट बची हुई है शेष अभी। हमारे सेवा यहाँ पे कोई भी पैसेंजर हमको नहीं दिख रहा है, शायद पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये डब्बा पूरी तरह से खाली है। तो ये जो ट्रेन है ये अमृतसर से अटारी तक जाएगी। 7:33 हुए हैं और ट्रेन अभी चल चुकी है, यानी 3 मिनट लेट। अटारी तक पहुंचने में हमें 1 घंटे का समय लगने वाला है। यहाँ से अटारी पहुँचने में मात्र जो बीच में स्टेशन पड़ेंगे, सिर्फ 2 स्टेशन पड़ते हैं, 2 स्टॉप है इसके और फिर सीधा अटारी। इससे पहले मैंने एक मतलब जो जर्नी की थी ट्रेन की पाकिस्तान बॉर्डर तक की, वो की थी बाड़मेर रेलवे स्टेशन से मुनावाव तक मैं गया था, जो मतलब राजस्थान में पड़ता है, भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन है वो भी। और अभी मैं जिस ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ, ये जो ट्रेन है ये अटारी तक जाती है अमृतसर से चल के। यहाँ पर पहले समझौता एक्सप्रेस चलती थी, जो सीधा मतलब अमृतसर से चल के और अटारी होते हुए लाहौर तक जाती थी, और वहाँ पे पहले थार एक्सप्रेस चलती थी। अभी दोनों की दोनों ट्रेनें बंद हैं, समझौता एक्सप्रेस भी बंद है और वो भी बंद है। ट्रेन अभी पूरी खाली है, कोई भी नहीं है ट्रेन के अंदर। मैं हूँ, सत्येंद्र है और कुछ लोग हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादा 10 से 20 पैसेंजर होंगे पूरी ट्रेन के अंदर। चलिए इस जर्नी को आज इन्जॉय करते हैं आप लोगों के साथ में, काफ़ी खूबसूरत जर्नी होने वाली है। आधा घंटा हुआ है ट्रेन को चलते हुए और अभी पहला स्टेशन पड़ा है जिसका नाम है छरहटा, यानी आधे घंटे में पहला स्टेशन इसका पड़ा है और मेरे हिसाब से 2 स्टेशन पे ये शायद रुकेगी बस अटारी तक। और स्टेशन ये है, ट्रेन रुकी थी मात्र 1 मिनट के लिए, जिससे पहले मैं कैमरा अपना ऑन कर पाता ट्रेन चलने लगी। ये देखो, ये फिर से यहाँ पे चलने लगी है ट्रेन, यानी ज़्यादा देर तक इसने स्टॉप नहीं लिया है, मात्र 1 मिनट का स्टॉप लिया है और उसके बाद ट्रेन कंटिन्यू फिर से चलने लगी। पूरे स्टेशन पे कोई नहीं था, स्टेशन खाली था और यहाँ पे शायद 1 पैसेंजर ट्रेन से उतरा है और चढ़ा तो कोई भी नहीं था। और ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म निकलता हुआ लिखा हुआ है छरहटा। ट्रेन की जो रफ्तार है वो फिर से धीमी हो गई है। अगला जो रेलवे स्टेशन है वो अभी आ चुका है,
इधर तो कुछ शायद नहीं दिख रहा है, दूसरी तरफ है इसका प्लेटफॉर्म जो है वो दूसरी तरफ है, उधर से चल के दिखाता हूँ। इस साइड है इसका प्लेटफॉर्म, यहाँ पे अभी तक ये नहीं मालूम पड़ा है कि ये जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है, क्योंकि कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। आगे कहीं लिखा हुआ होता है तब आप लोगों को बताता हूँ कि ये कौन सा रेलवे स्टेशन है। ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? हादसा। पता नहीं कौन सा, भाई ने बताया यार, कहीं पे लिखा हुआ तो नहीं है। वैसे ये इसका प्लेटफॉर्म है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। और फिर से ये ट्रेन स्टार्ट हो गई है। अब सोचने वाली बात ये है, स्टेशन कौन सा था ये हमको नहीं पता है। शायद ये आखिरी रेलवे स्टेशन था, इसके बाद सीधा अटारी क्लब रुकने वाली है ये जो ट्रेन। ये जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम है खासा। देखो इसमें मैंने देखा है, ये जो है ये वाला है खासा, और इसके बाद अब सीधा अटारी पे रुकेगी ट्रेन। तो अगला अभी जो स्टॉप होने वाला है वो होने वाला है अटारी, मतलब लास्ट रेलवे स्टेशन इंडिया का अटारी होने वाला है, और वहाँ से फिर ये ट्रेन वापस आएगी अमृतसर के लिए। ये ट्रेन डेली चलती है, और ये देखिए पूरा लैंड है ये। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी मक्के की फसल है, यानी मक्का बोया गया है, और ये जो लैंड है यहाँ की, ये जो ज़मीन है यहाँ की, सबसे ज़्यादा भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन मानी जाती है ये वाली, जो मतलब पंजाब के इस क्षेत्र की जो ज़मीन है वो भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन मानी जाती है। हम लोग अटारी पहुँच चुके हैं, ये देखिए और दूसरी साइड से वो ट्रेन जाती थी जो पाकिस्तान के लिए जाती थी। देखिए इधर यहाँ पे ये पूरा तारबंदी है इस तरह की, ये देखिए। तो जब पहले ट्रेन जो तो पाकिस्तान के लिए जाती थी ना, यहाँ से लाहौर के लिए, वो इस साइड में खड़ी होती थी, यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह होके लोग आगे पाकिस्तान की तरफ जाते थे लाहौर की तरफ। ये यहाँ पर पूरा अभी इसको बंद किया गया है तार लगा के। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अटारी का जो रेलवे स्टेशन है, पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा अटारी। और यहां से पहले इस साइड में देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है, यहां से पहले ट्रेन पाकिस्तान के लिए जाती थी। उधर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है इंडियन कस्टम, यानी इमिग्रेशन वगैरह होके उधर से, और ट्रेन सीधा इस साइड में, ये पूरा उधर ये जो ट्रैक है ये पाकिस्तान की तरफ जाता है। यहाँ से जो पाकिस्तान का बॉर्डर है अटारी बाघा बॉर्डर, मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यही ट्रैक है जिसमें जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो दो ट्रेनें इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की तरफ गई थी, और पाकिस्तान की तरफ से ही दो ट्रेनें इस साइड में आई थी। ये बंटवारे से पहले का ट्रैक है, हालांकि वो जो ट्रेनें थी उसमें मुसाफिरों की जगह पे कुछ लाशें भी आई थी। ये बताना वैसे मेरे लिए सही तो नहीं था, लेकिन इतिहास को हम लोग नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। तो यही वो ट्रैक है जिससे मतलब 1947 में जो ट्रेनें थी पाकिस्तान की तरफ गई थी और उधर से इधर आई थी। बाद में यहाँ पर एक समझौता एक्सप्रेस चलती थी जो अभी बंद है, और वैसे इंडिया से पाकिस्तान जाने के लिए दो ट्रेनें चलती थी, समझौता एक्सप्रेस पे और थार एक्सप्रेस, जो अभी दोनों बंद हैं। तो ये पीछे अटारी का रेलवे स्टेशन है, अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं। हमारा जो प्लान था, मतलब जिस ट्रेन से हम आए थे उसी ट्रेन से रिटर्न जाने का प्लान था, और जब तक कि हम मतलब आगे आए वीडियो वगैरह शूट किया तब तक जो ट्रेन थी वो चली गई, मतलब स्टार्ट ही कर पाया था वीडियो, उसके बाद तुरंत से चली गई। मुश्किल से 4-5 मिनट वो ट्रेन यहाँ पर रुकी होगी। अभी हम अटारी से बाहर हैं, अब हमने सोचा यहाँ से हम लोग ऑटो वगैरह चलते हैं, ऑटो या बस वगैरह पकड़ के यहाँ से फिर रिटर्न जाएंगे अमृतसर के लिए। तो ये जो वीडियो थी हमने अमृतसर से और इधर यहाँ पे जो अटारी बॉर्डर है यहाँ तक की बनाई थी। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं सुबह ही आप आ सकते हैं, लेकिन जो सेरेमनी वगैरह होती है शाम को 5:30 बजे से होती है, तो इतनी देर तक आप वेट कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना आप वहाँ से बहुत सारे साधन मिल जाते हैं अटारी जो सेरेमनी वगैरह है उसको देखने के लिए, तो उससे आप आइएगा। अगर आप ट्रेन का लुत्फ़ लेना चाहते हैं तो वो सुबह सुबह ले सकते हैं, उससे रिटर्न भी जा सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं,
नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।